हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्रोलाइड्स। ओके, मैक्रोलाइड्स इज अ इम्पॉर्टेंट क्लास, इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक। ओके, जो कि आपको पीसी सेकंड में भी है और कोलॉजी में भी। मैक्रोलाइड्स का एरिथ्रोमाइसिन वगैरह उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ड्रग। ओके, सो टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मैक्रोलाइड्स, देन एग्जाम्पल इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन प्रॉपर्टीज, यूजेस, ऑफिशियल प्रिपरेशंस ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर नाउ। मैक्रोलाइड्स आर एंटीबायोटिक। यू नो दैट इट इज अ एंटीबायोटिक, दैट मीन्स इट इज यूज टू किल और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो मैक्रोलाइड्स आर एंटीबायोटिक हैविंग अ मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। अगर आप मैक्रोलाइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है, राइट। देन विथ अटैच्ड शुगर, शुगर मोइटी मीन्स प्लस अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ओके, इरिथ्रोमाइसिन कंपाउंड। ओके, इट इज अ शुगर मोइटी। देन इरिथ्रोमाइसिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस से आइसोलेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, इस स्पेसिस से डिराइव किया है इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस। ओके, सो इट एक्ट्स एज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरियोसाइडल, व्हाइल एट लो कॉन्सेंट्रेशन इट इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक। सिंपल है, इट एक्ट्स एज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन इरिथ्रोमाइसिन ले लेते हो तो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट दिखाता है, एंड लो कॉन्सेंट्रेशन में बैक्टीरियोस्टैटिक। बट वॉट इज बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक? बैक्टीरियोसाइडल मीन्स टू किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक टू सप्रेस और टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, स्टॉप करता है, सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है, राइट, बैक्टीरियोस्टैटिक। एंड बैक्टीरियोसाइडल टू कंप्लीट किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट्स बाय द इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्रोलाइड्स आर इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इट बाइंड्स टू द 50S राइबोसोम सब यूनिट एंड इनरलेस विथ अ ट्रांसलोकेशन। दैट मीन्स अगर आप 50S राइबोसोम को बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, mRNA tRNA फंक्शन ब्लॉक करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है मैक्रोलाइड्स। ओके, अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो वीक सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और सेल डेड होगा, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देन इसका अगर टोटल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है तो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें इमेजेस वगैरह, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्रोलाइड्स कहाँ पे है और किस साइट ऑफ एक्शन को बाइंड करता है, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ इरिथ्रोमाइसिन। ओके, वन मिनट। दिस इज द मैक्रोलाइड एग्जाम्पल इज अ इरिथ्रोमाइसिन। ओके, इरिथ्रोमाइसिन इज अ इम्पॉर्टेंट ड्रग। ओके, सो इरिथ्रोमाइसिन वॉज ऑब्टेन्ड और आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस। याद रखना है आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस से इरिथ्रोमाइसिन प्रोड्यूस किया जाता है, डिराइव किया जाता है या आइसोलेट किया जाता है, राइट। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस इज अ स्पेसीज ऑर्गेनिज्म ऑफ इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। देन इरिथ्रोमाइसिन इज अ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोथ ऑफ सर्टेन स्ट्रेन्स। विच स्ट्रेन्स? स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस। वही पॉइंट रिपीट किया गया है यहाँ पे। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। ओके, सिंपल प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में हमें क्या लिखना है? कलर, ओडर, टेक्स्चर, अपेयरेंस, है ना, सोल्युबिलिटी। सो फर्स्ट पॉइंट इज अ, इट ऑकर्स एज अ व्हाइट और स्लाइटली येलो, ओडरलेस, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक पाउडर विथ अ बिटर टेस्ट। ठीक है, व्हाइट और स्लाइटली येलो ओडरलेस पाउडर है। ओके, हाइग्रोस्कोपिक मीन्स एयर मॉइस्चर इजिली एब्सॉर्ब कर लेता है, दैट मीन्स बिटर इन अ टेस्ट। टेस्ट कैसा है इसका? बिटर टेस्ट है इरिथ्रोमाइसिन का। ओके, दिस ड्रग, इट इज सोल्यूबल, दैट मीन्स इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है बट वाटर में कंप्लीटली इनसोल्यूबल है इरिथ्रोमाइसिन। ओके, दिस इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। ओके, ओके, सो इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल टाइट क्लोज्ड कंटेनर एंड केप्ट एट अ टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री सेल्सियस।
आपको क्या करना है, स्टोर कहाँ पे करना है, वेल टाइट क्लोज्ड कंटेनर, कंप्लीट क्लोज कंटेनर, टाइट क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना है ये ड्रग, देन केप्ड एट अ टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस में रखना है, मीन्स केप्ड करना है बिलो 30 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है, ओके 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही टेम्परेचर रखना है उसका, देन इट शुड बी स्टोर्ड इन अ, दैट मीन्स इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट, लाइट से प्रोटेक्शन करना है उस ड्रग का। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ यूजेस ऑफ इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन का यूजेस देखना है, ओके इंपॉर्टेंट यूज है इरिथ्रोमाइसिन का। सो फर्स्ट यूज इज अ इरिथ्रोमाइसिन इज एन अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक विच एक्ट्स एज अ इंटरफेयरिंग विद अ बैक्टीरियोसाइडल, दैट मीन्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ऑब्वियसली अगर मैक्रोलाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है तो उसी का एग्जाम्पल है, सो दैट इरिथ्रोमाइसिन आर इनहिबिट्स टू द प्रोटीन, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, बैक्टीरिया के जो सोयल वॉल में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है एमआरएनओ को बाइंड करके, राइट। देन इट इज एक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ग्राम पॉजिटिव सम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे उसका एंटीबायोटिक एक्शन दिखाता है, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल अमोइबियासिस, इंटेस्टाइनल अमोइबियासिस मीन्स अमोइबियासिस इज अ पैरासाइटिक डिजीज विच पैरासाइट एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका से अमोइबियासिस का, अमोइबियासिस के पैरासाइट का इन्फेक्शन आपको हो जाता है, राइट। सो एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ओके अगर आप अनहाइजेनिक लाइफ स्टाइल से की वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ इंटेस्टाइनल अमोबियासिस इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, विच प्रोटोजोआ पैरासाइट एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, यहाँ पे भी दिया गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ इट इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकाई ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे भी इन्फेक्शन दिखाता है इरिथ्रोमाइसिन, ओके एंटीबायोटिक एक्शन। देन लास्ट पॉइंट इज अ ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन, ऑफिशियल प्रिपरेशन में इरिथ्रोमाइसिन का टैबलेट भी है, देन इरिथ्रोमाइसिन BPIP, देन इरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट टैबलेट प्लस एसिड टैबलेट, इरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट टैबलेट, ओके इट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके सो दिस इज द ऑफिशियल प्रिपरेशन, यूजेस प्रॉपर्टीज, ओके यूजेस प्रॉपर्टीज ऑफ इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, दैट मीन्स इरिथ्रोमाइसिन इज अ मैक्रोलाइड एग्जाम्पल्स, नो सो समझ में आया आज का लेक्चर, इज दैट क्लियर, नो सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।